आम आदमी पार्टी की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। आज किसान दिवस के दिन एक बेहद भारी मन से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आम आदमी पार्टी ने किया है और एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट घोषणा आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज आप सबके समक्ष रखेगी। साथियों, हमने देखा जिस प्रकार से इन तीन काले कानूनों के चलते देश का किसान परेशान है, पीड़ा में है, आहत है और उसकी पूरी जीविका, उसकी पूरी खेती किसानी बर्बाद करने का मसौदा मोदी सरकार ने देश में लागू करा, जिसके चलते देश के किसान ने एक कॉल दी कि हम दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। देश का किसान दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ अपनी बातों को मोदी सरकार के सामने रखने के लिए, लेकिन देश के किसान को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हुए मोदी सरकार ने उस पर सबसे पहले आंसू गैस छोड़ी, उसके ऊपर वाटर कैनन से बौछार करी, उस पर लाठियां डंडे बरसाए और फिर जिस रास्ते से किसान आगे आ रहा था उस रास्ते को, उस सड़क को खोद दिया कि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। इसके बावजूद भी हमारे देश का किसान, हमारे देश का बहादुर किसान बहादुरी से इनका सामना करते हुए सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और दिल्ली तक पहुंचा। और जब किसान एक शांतिपूर्ण तरीके से कई दिनों तक अपना विरोध दर्ज कराता रहा और सरकार से मांग करता रहा कि हमारी बात सुनो, हमारी गुहार आपके कानों तक पहुंचे, तो हमने देखा कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, चुने हुए प्रतिनिधि देश के किसान को अभद्र भाषा में अपमानित करने लगे। इन्होंने कहा देश का किसान चीन और पाकिस्तान का एजेंट है। भाजपा ने कहा देश का किसान पाकिस्तान और कनाडा से फंडिंग लेकर यह आंदोलन कर रहा है। इन्होंने कहा देश का किसान आतंकवादी है, देश का किसान खालिस्तानी है, देश का किसान गुंडा है। और कल तो हद ही हो गई जब दिल्ली के भाजपा के सांसद ने देश के किसान को दलाल कह डाला। उस शब्द का भी मैं प्रयोग नहीं करना चाहूंगा जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया और देश के किसान को संबोधित किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से देश के किसान को अपमानित करना चाहती है, कलंकित करना चाहती है। और ये सारी जो चीज चल रही है अपमानित करने का, पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा चलाया जा रहा है। हम पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि क्या आपको देश का किसान आतंकवादी लगता है? और मैं एक बेहद महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहता हूं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने इनके, भाजपा के नेताओं के ये बयान सुने, उन बयानों से उनकी भावनाएं आहत हुई, उनको पीड़ा हुई, मेंटल एग्नी हुई और उसके चलते वो अब न्याय चाहते हैं, वो अब इंसाफ चाहते हैं और सड़क से ही नहीं केवल अदालत से भी अब देश का किसान इंसाफ चाहता। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए अपमानित बयानों, गाली गलौज के खिलाफ देश का किसान अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहता है। देश के कई किसान साथियों ने, अलग अलग जगहों के किसान भाई बहनों ने हमसे संपर्क किया है, आम आदमी पार्टी का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हम इस अपमान का बदला अदालत से भी लेना चाहते हैं, हम इस गाली गलौज का बदला, इसका इंसाफ न्यायपालिका से भी चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी आज ये घोषणा करती है कि देश के किसान का पूरा सहयोग, पूरी मदद इस कानूनी लड़ाई में आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी देश के किसान को इंसाफ दिलाने में, अदालत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकदमे डालने से लेकर
उस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाने में पूरी तरीके से मदद करेगी, अपनी असिस्टेंस देगी, अपना सहयोग देगी। और मैं ये साफ कर दूं कि आम आदमी पार्टी चाहे वो दिल्ली में 9 जगह जेल बनाने की बात हो, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत दबाव के बाद, कई दबाव बड़े बड़े नेताओं ने बनाया, उसके बावजूद किसान हित में फैसले लेते हुए 9 जेल नहीं बनने दिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दिल्ली के बॉर्डर पर एक सेवादार की भूमिका में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर लंगर से लेकर कंबल तक, पानी से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था और मूलभूत सुविधाएं देश के किसान को दे रही है, उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी अब कोर्ट कचहरी में, अदालत में देश के किसान को पूरा सहयोग देगी, लीगल असिस्टेंस देगी, और चाहे वो केस रजिस्टर करना हो या फिर उस मुकदमे को अंजाम तक ले जाना हो, आज आम आदमी पार्टी ये प्रण लेती है कि आम आदमी पार्टी देश के किसान के साथ खड़ी है और देश के किसान की पूरी मदद करेगी इस लड़ाई में, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। मैं कुछ नेताओं के नाम और उनके जो बयान बीते कुछ दिनों में देश के किसान के बारे में आए हैं वो पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। ये सारे बयान हमें देश के किसान ने ही मुहैया कराए और आकर हमें दिए कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। मैं एक एक करके नाम लेते हुए आपको बताना चाहूंगा। पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री हैं, इनका मानना है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं इस किसान आंदोलन की आड़ में। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद ये कहते हैं इस आंदोलन में विदेशी ताकतें घुसाई हैं, खालिस्तान और शर्जील इमाम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। रमेश बिदूड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इन्होंने कहा कि कनाडा और पाकिस्तान से पैसे मिल रहे हैं किसानों को और देश का किसान भड़वा है। रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कहते हैं आंदोलन में पाकिस्तान, चीन और कनाडा से फंडिंग हो रही है, आंदोलन में खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। गोपाल भार्गव भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, ये कहते हैं किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग से इनकार नहीं किया जा सकता, आंदोलनकारी किसान मलाई हलवा पूरी खा रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है। के ऋषि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बिहार से, ये कहते हैं दिल्ली बॉर्डर पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग वो दलाल हैं। कमल पटेल मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये कहते हैं ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और राष्ट्र विरोधी हैं। उषा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की एक और मंत्री, ये कहती हैं पंजाब और हरियाणा में उच्च कोटि के दलाल प्लानिंग के साथ किसान आंदोलन चला रहे हैं, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल है। राणा साहिब केंद्रीय मंत्री, ये कहते हैं किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। जेपी दलाल हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, ये कहते हैं किसान का नाम आगे करके बहुत सारे लोग विदेशी ताकतों, चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरिंदर प्रताप सिंह बिहार के मंत्री हैं भाजपा के, ये कहते हैं दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है वो दलालों का आंदोलन है। लीला राम भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से विधायक, ये कहते हैं दिल्ली में किसान नहीं खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग बैठे हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी को ठोक दिया वो मोदी को भी ठोक देंगे, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद व भारत माता मुर्दाबाद के नारे इस किसान आंदोलन में लग रहे हैं। मनोज तिवारी जी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग इस किसान आंदोलन को चला रहा। विप्लव देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भाजपा के, ये कहते हैं कि वामपंथियों ने, माओवादियों ने
इस किसान आंदोलन को जकड़ लिया है और वो इस किसान आंदोलन को चला रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, कांग्रेस एंड सम अदर पार्टीज विद वेस्टेड इंटरेस्ट आर इंस्टिगेटिंग फार्मर्स टू अपोज फार्म लॉज विच प्रॉमिस टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आर फार्मर। कह रहे हैं किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, किसान तो बेवकूफ है, किसान नहीं समझ पाता, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां किसान को बरगला रही हैं, भ्रमित कर रही हैं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल कहते हैं, अंग्रेजी में मैं पकड़ के आपको बताता हूं, द प्रोटेस्ट हैज द सपोर्ट ऑफ एंटी नेशनल एलिमेंट्स, टेररिस्ट, खालिस्तानी, कम्युनिस्ट एंड प्रो चाइना पीपल। इन द नेम ऑफ फार्मर्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, टेररिस्ट, खालिस्तानी, कम्युनिस्ट एंड प्रो चाइना पीपल have sneaked into the agitation. We can see them having pizza, pakode, etc. All that is coming free of cost. Anti-national elements are giving them lakhs of rupees to stay put. Yani ki, rashtra virodhi taakatein unko paisa de rahi hain ki aap wahin baithe raho aur andolan karte raho. Dushyant Gautam, Bharatiya Janata Party ke general secretary hain rashtriya star pe, wo kehte hain, farmer ka jo ye andolan chal raha hai, इसे एक्सट्रीमिस्ट ने हाईजैक कर लिया है और वो दंगे कराना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी वो कहते हैं, वी हैव रिपोर्ट्स ऑन खालिस्तानी प्रेजेंस इन फार्मर प्रोटेस्ट। हमारे पास रिपोर्ट्स है कि खालिस्तान के लोग इस फार्मर प्रोटेस्ट में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह कहते हैं, मेनी ऑफ द पीपल इन पिक्चर्स डू नॉट अपियर टू बी फार्मर्स। What is in the interest of the farmer has been done. It's not that the farmers who have a problem, but others. Besides opposition, people who get commission are behind that protest. कह रहे हैं, जो आदमी कमीशन लेकर दलाली करता है वो इस आंदोलन के पीछे है। राम माधव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे खालिस्तानी है। रविशंकर प्रसाद जी, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता भाजपा के, कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग इज बिहाइंड द फार्मर प्रोटेस्ट। नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, वो कहते हैं, फार्मर्स आर बीइंग मिसलेड ओवर लॉज। बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, देश के किसान को समझ नहीं है, उसे बरगलाया जा रहा है, इसलिए वो आंदोलित है। कपिल मिश्रा, भाजपा के नेता दिल्ली से, वो कहते हैं, ये किसान आंदोलन दूसरा शाहीन बाग बनाने का एक षड्यंत्र है। और आदेश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, कहते हैं, किसान आंदोलन कांग्रेस की देन है और कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है। यानी कि जितने लोग बॉर्डर पर बैठे हैं वो कांग्रेस के भेजे हुए लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, और इसलिए वो आंदोलित हैं। और अंत में अनिल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहते हैं, किसान जो आंदोलित है वो गुंडा है और केवल गुंडे ही इस प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं। यह छोटी सी सूची है साथियों, जो मैंने जल्दी से पढ़ के आपको सुनाई, ये सूची बहुत लंबी है। कुछ नेताओं के नाम देश के किसान ने आम आदमी पार्टी को दिए, हमें सौंपे और कहा, यह देखिए हमारे आंदोलन को कैसे अपमानित किया जा रहा है, कलंकित करने की कोशिश करी जा रही है। और आज आम आदमी पार्टी ये प्रण लेती है कि हम देश का किसान जो अब अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहता है, जो अब न्यायपालिका में इंसाफ चाहता है, हम उसके साथ खड़े हैं, हम पूरा सहयोग उनको देंगे, पूरी लीगल असिस्टेंस उनको देंगे, पूरी मदद उनको देंगे, और केस फाइल करने से लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ने से लेकर इन मुकदमों को अंजाम तक पहुंचाने तक का सारा काम आम आदमी पार्टी अब देश के किसान के साथ मिलकर करेगी, देश के किसान को अपना सहयोग इसमें अवश्य देगी। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत ही पीड़ा के साथ, कि आज किसान दिवस के दिन भी हमारे देश के किसान इस खुले आसमान में बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, आंदोलित है, आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश का किसान वो व्यक्ति है जिसका सपूत, जिसका बच्चा
बॉर्डर पर देश की, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है। और देश का किसान आज दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि भाजपा के नेता गौर से देश के किसान की ओर देखें, उसके चेहरे की झुर्रियां आपको बताएंगी कि वो कितनी मेहनत से खून पसीना एक करके अपनी फसल बोता है। उसके कंधे, झुके हुए कंधे जो हल जोत जोत के थक झुक गए हैं, वो आपको बताएंगे कि कितनी मुश्किलों से किसान फसल उगाता है। और आपकी थाली देश के किसान द्वारा सजती है, जिसको आप आज आतंकवादी कह रहे हैं, जिसको आज आप चीन और पाकिस्तान का एजेंट कह रहे हैं। इस संदर्भ में किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जो केसेस होंगे, ये करेंगे ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश भर में जहां जहां किसान रहते हैं, जहां जहां किसान भाजपा के इन बयानों से आहत हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, जहां जहां ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट्स की बनती है, उस ज्यूरिसडिक्शन में जाकर ये मुकदमे डाले जाएंगे। और हम पूरी तरीके से किसान को इंसाफ दिलाने के लिए, उसकी इस बेइज्जती का, बदनामी का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सजा जब तक नहीं मिलेगी तब तक इस लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। ये केसेस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वाले हैं या दूसरे लोग? मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये केसेस देश का किसान डालेगा। आम आदमी पार्टी इसमें केवल सहयोग करेगी, आम आदमी पार्टी इसमें केवल मदद, लीगल असिस्टेंस, कानूनी सहयोग उनको देगी और पूरा सहयोग देगी, लेकिन केस या कंप्लेनेंट जिसे कहते हैं वो देश का किसान होगा।